फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। अभी जो टॉपिक चल रहा है द नाउन एंड द नंबर, इसके पार्ट तीन हो गए हैं। तो कल वाली वीडियो में ये यहाँ तक करा दिया था कि कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में या जो मैन या वुमेन से स्टार्ट होते हैं, इनके लास्ट वर्ड में एस जोड़कर इनका प्लूरल बनाया जाता है। तो ये जैसे कि लिखा है वुमेनिटर, तो हो गया वुमेनिटर्स। इस तरह से ये करा दिए थे। आज देखते हैं इसके आगे नंबर 20। नेक्स्ट नंबर है, कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड हैं जिनके लास्ट वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फिर वो ये आ गया कंपाउंड वर्ड। ये थोड़े अजीब से वर्ड हैं, देखते हैं कौन से हैं। लिखा है देखो, फॉरगेट मी नॉट। तो ये कंपाउंड वर्ड है। फॉरगेट होता है भूलना, मी मुझे, नॉट नहीं। बट इसका सेंस ये नहीं है। यहां पर फॉरगेट मी नॉट इसका सेंस है प्रसिद्ध नीले रंग का फूल। तो जब इसका बनेगा प्लूरल तो क्या हो जाएगा, फॉरगेट मी नॉट्स, नॉट में ऐसा लगेगा। उसके बाद है गो बिटवीन, ये होता है मध्यस्थ। तो गो बिटवीन तो क्या हो जाएगा, गो बिटवीन्स। उसके बाद है पिक मी अप, पिक उठाना, मी मुझे, अप ऊपर। बट इसका सेंस क्या होता है, मदिरा शराब। तो इसका क्या जाएगा प्लूरल, पिक मी अप्स। उसके बाद और हैं, टच मी नॉट प्लांट, टच स्पर्श करना, मी मुझे, नॉट नहीं प्लांट पौधा। तो पूरा सेंस क्या होगा, छुई मुई का पौधा होता है जो, तो उसे बोलते हैं। तो इसका प्लूरल होगा टच मी नॉट प्लांट्स, इसमें ऐसा लग जाएगा। उसके बाद है गुड फॉर नथिंग, होता है निकम्मी चीज, तो जाएगा गुड फॉर नथिंग्स, इसमें ऐसा लगा नहीं है, नथिंग्स हो जाएगा। उसके बाद है लुक आउट, होता है चौकसी या कर्तव्य, तो हो जाएगा लुक आउट। ये थे सिंगुलर से प्लूरल। आगे देखते हैं अगला नंबर। आगे है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब नाउन्स के लास्ट में क्या जोड़ दिया, एस। मोस्टली तो ऐसे ही हैं सब एस वाले। कौन कौन से हैं वो ये हो जाएंगे, स्पूनफुल मींस चम्मच भर, तो स्पूनफुल क्या हो जाएगा, स्पूनफुल्स, डबल एल नहीं होगा, वैसे अधिकतर हो जाता है डबल एल, बट यहां पर डबल एल नहीं होगा। हैंडफुल मुट्ठी भर, तो हो जाएगा हैंडफुल्स, ये फिर एल सिंगल है। माउथफुल मुंह भर, तो माउथफुल्स। ग्लासफुल ग्लास भर, तो ग्लासफुल्स। और कपफुल यानी एक कप भरा हुआ, तो कप फुल्स। तो ये हो जाएगा स्पूनफुल, हैंडफुल, माउथफुल, ग्लासफुल, कपफुल, इन सब में एस लग जाएगा केवल, और ये बन जाएंगे उसके प्लूरल। अगर इसका देखा जाए एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल है, ही कुड ड्रिंक ओनली टू स्पूनफुल ऑफ टी, वह केवल दो चम्मच भर चाय पी सकता था। जब यहां लिखा है टू, तो टू के बाद में संख्या होगी प्लूरल, तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये करेक्ट ये हुआ, ही कुड ड्रिंक ओनली टू स्पूनफुल्स ऑफ टी, ये सेंटेंस रॉन्ग है और ये करेक्ट है। नंबर अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, कुछ विदेशी भाषा के सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में इस प्रकार बदलते हैं। अब वो ऐसे हैं, कुछ हैं विदेशी भाषा वाले सिंगुलर नाउन्स, और जब उनको हम बनाते हैं प्लूरल, वो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। वो ये हैं सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स। एनालिसिस क्या होता है, विश्लेषण, तो जब इसका बनेगा प्लूरल तो जाएगा एनालिसिस ईएस, मींस कुछ ऐसे ही नाउन्स हैं जिनके लास्ट में है एस आई एस, एस आई एस, एस आई एस। अगर ऐसा कोई सिंगुलर नाउन है और उसका बनाना है प्लूरल, तो जो एस आई एस है हमें उसका करना है एस ई एस, ये हो जाएगा प्लूरल। एनालिसिस तो हो गया एनालिसिस, एस आई एस तो हो गया एस ई एस। ऐसी बेसिस आधार होता है, लास्ट में एस आई एस तो हो गया एस ई एस, बट आई एस सॉरी आई एस का क्या हो जाएगा, ई एस, एस तो है ही सब में, ऐसी लिखा है आगे थेसिस, टी एच ई एस आई एस, थेसिस होता है अनुसंधान पूर्ण लेख, या लेख होता है थेसिस, किसी के विषय पर लिखते हैं, तो आई एस का क्या हो गया ई एस, या एस आई एस का एस ई एस कह सकते हैं। ऐसी लिखा है ये ओसियस, तो क्या हो जाएगा, राजस्थान की भूमि होती है ये, तो क्या हुआ इन्होंने आई एस का कर दिया ई एस। ऐसे ये है नार्कोसिस, होता है बेहोशी, तो जाएगा नार्कोसिस ई एस हो गया इसका। ऐसे लिखा इलिप्सिस, होता है लोप, एस आई एस है, तो हो गया एस ई एस।
ये सभी वो थे जिनके लास्ट में था आईएस, तो जब बनाया इसका प्लुरल तो कर दिया ईएस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अधिकतर कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछने के लिए। उसके आगे हैं, फिर ये हैं लिखा है अपेंडिक्स, अब लास्ट में क्या है आईएक्स, अपेंडिक्स मींस परिशिष्ट। जब लास्ट में तो यह होता है आईएक्स तो उसका हम क्या कर देते हैं सीईएस, अपेंडिक्स हो गया अपेंडिसिस, सीईएस हो गया। ऐसी इंडेक्स है लास्ट में ईएक्स तो क्या कर दिया इंडिसिस सीईएस। अब आगे लिखा है स्टेडियम, अब लास्ट में क्या है यूएम, जब यूएम होता है तो क्या करते हैं केवल एस जोड़ते हैं जब इसका बनाते हैं प्लूरल, स्टेडियम तो हो गया स्टेडियम्स। उसके बाद हारमोनियम, यूएम है तो हारमोनियम्स एस लग गया। ऐसी लिखा है आगे है असीलम, असीलम होता है आश्रम, अनाथालय से बोलते हैं अनाथाश्रम, तो असीलम यूएम है तो हो गया असीलम्स। उसके बाद है सीरीज, सीरीज एक ऐसा वर्ड है इसका सिंगुलर हो या प्लुरल हो चेंज कुछ भी नहीं होती, एक ही होता है, सिंगुलर है तब भी यही स्पेलिंग है और प्लुरल है तब भी यही स्पेलिंग है। आगे और हैं स्पेसीज होता है जाति, तो स्पेसीज जाति, ये जातियां स्पेलिंग में नो डिफरेंस, स्पेलिंग अगर सिंगुलर है तब भी यही है और प्लुरल है तब भी यही है। ब्यूरो होता है कार्यालय, तो इसका जब बनाता है प्लुरल बनाते हैं दो तरह से बन जाता है ब्यूरिक्स, एक तो केवल एक्स जोड़ दिया और एक में एस जोड़ दिया। फिर डाटम जैसे बोलते हैं डाटम, ये सिंगुलर होता है, इसका प्लुरल होता है डाटा। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिंगुलर टू प्लुरल, कुछ और भी हैं उन्हें देखते हैं। आगे लिखा है सम अदर नाउंस, कुछ दूसरे नाउंस वो कौन कौन से आइए देखते हैं। फोकस, फोकस किरणें वगैरह होती हैं, फोकस तो क्या जाएगा फोकी और फोकसस, दोनों ये सही हैं, प्लुरल ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सिलेबस तो सिलेबी हो जाएगा और सिलेबसिस भी हो जाएगा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोट्रॉन सॉरी, और इलेक्ट्रॉन और प्लेटो, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कुछ भी ऐसे ट्रॉन हो तो हमें क्या करना है इनका बनाना है प्लुरल, तो समझ जुड़ जाएगा एस। बाद में प्लूटो तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, जैसे कि ऊपर आया था ये आया था ब्यूरो, यहां पर आया था ये ब्यूरो, तो क्या करा इसमें जोड़ दिया केवल एक्स, ऐसे इसमें हो जाएगा ये प्लूटो तो केवल जोड़ दिया एक्स, ये बन गया इसका प्लुरल। अब देखते हैं आगे लिखा सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कौन से फैक्ट है, नंबर एक यूज ऑफ डाटा, डाटा का यूज कैसे करते हैं, तो लिखा है डाटा का प्रयोग आजकल सिंगुलर प्लुरल दोनों में किया जाता है तथा इसके सेंस के अनुसार ही वर्ब सिंगुलर या प्लुरल आती है। मतलब डाटा जो है डाटा का यूज सिंगुलर और प्लुरल दोनों में होता है, कैसे एग्जांपल देखते हैं। आवर डाटा से इफ आवर डाटा आर रॉन्ग द कंक्लूजन वी ड्रा फ्रॉम देम मस्ट बी रॉन्ग, मतलब ये कहना चाहते हैं अगर जो डाटा है हमने जो डाटा हमने जो इसमें भरा है वो अगर गलत है तो इसकी जो कंक्लूजन आएगी वो भी गलत आएगी। तो डाटा मतलब लिस्ट ऑफ बहुत सारी मतलब वस्तुओं की सूची, तो वो हो जाएगा डाटा, तो इस तरह से प्लुरल हो गया तो आ गया आर। और एक एग्जांपल है डाटा इज सफिशियंट, जो डाटा है हमारे पास वो सफिशियंट काफी है, ये हो गया सिंगुलर। उसके बाद देखते हैं अगला नंबर लिखा है यूज ऑफ एजेंडा, एजेंडा का प्रयोग भी सिंगुलर और प्लुरल दोनों के रूप में करते हैं, कैसे करते हैं, लिखा सिंगुलर वर्ब और प्लुरल वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंस, सिंगुलर मानेंगे तो सिंगुलर वर्ब और जब मानेंगे सब प्लुरल तो आएगी प्लुरल वर्ब। एग्जाम्पल से आएगा समझ में, एग्जाम्पल है द एजेंडा ऑफ द मीटिंग वाज प्लेस्ड बिफोर द चेयरमैन, जो मीटिंग का एजेंडा था उसे चेयरमैन के सामने रखा गया, मतलब सभापति के सामने कार्यक्रम को रखा गया, तो एजेंडा हो जाएगा कार्यक्रम। एक एग्जाम्पल और एजेंडा का, ये हो जाएगा द एजेंडा वर ड्रॉन अप, जो एजेंडा था मतलब लिस्ट ऑफ आइटम्स, तो ये हो गया प्लुरल, उसे ड्रॉन अप खींचा गया मतलब आरेख उसका बना लिया गया, ये था यूज ऑफ एजेंडा। अब देखते हैं आगे लिखा है लेटर्स वर्ब्स डिजिट्स, डिजिट मतलब वही अंक एक दो तीन, तो लेटर हो या वर्ब्स हो या डिजिट्स हो, लेटर मीन्स ए बी सी डी ई एफ जी, वर्ब्स कोई क्रिया दी हो, डिजिट कोई अंक दिया हो, का प्लुरल एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर बनाते हैं,
एपोस्ट्रॉफी वही एपोस्ट्रॉफी एस ये लगाकर बनाते हैं इनका प्लुरल। वो कौन कौन से हैं देखते हैं, लिखे हैं ये लिखा है एस, एस सिंगुलर है ये, जब इसका बनाया प्लुरल तो लगा दिया एपोस्ट्रॉफी एस, ऐसी एम है तो एम का बना दिया एम एपोस्ट्रॉफी एस, सिक्स ये डिजिट है एक इसका बनाना है प्लुरल तो जाएगा सिक्स एपोस्ट्रॉफी एस, बी एक लेटर है तो बी एपोस्ट्रॉफी एस, सेल एक वर्ब है बिल एक वर्ब है तो दोनों सेल एपोस्ट्रॉफी एस बिल एपोस्ट्रॉफी एस, उसके बाद है बीए तो बीए है तो क्या कर दिया बीए एपोस्ट्रॉफी एस, ऐसी इसमें है एमए तो एमए एपोस्ट्रॉफी एस, एस और पी दोनों लेटर हैं तो दोनों में एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ दिया, ये बन गया इसके प्लुरल। अब देखते हैं नंबर अगला लिखा है कुछ अन्य वर्ड्स के प्लुरल निम्न प्रकार से बनाते हैं, कुछ और भी वर्ड हैं जिनके प्लुरल निम्न प्रकार से बनाते हैं वो कैसे आइए देखते हैं। लिखा है देखो मिस्टर, मिस्टर सिंगुलर है जब इसका बनाते हैं प्लुरल तो जाता है मिसर्स एम ई डबल एस आर एस, और मिसिज तो जाएगा मिसडेम्स एम ई एस डी ए एम ई एस मिसडेम्स, फिर मिस्टर व्हाइट तो क्या कर दिया मिसर्स व्हाइट करते हैं या द मिस्टर व्हाइट दोनों करेक्ट हैं, जैसे कि मिस्टर का होता है मिसर्स तो लगा दिया मिस्टर का मिसर्स कर दिया व्हाइट तो ऐसे लिख दिया, और ऐसे नहीं करना है मिस्टर व्हाइट मिस्टर ब्राउन मिस्टर ब्लैक मिस्टर कुछ भी बोल दें मिस्टर गंगवार कुछ भी बोल दें तो मिस्टर लिखा हुआ होता है तो बनाते हैं प्लुरल तो लगा दिया द द मिस्टर व्हाइट्स, लेकिन एस जरूर लगेगा यहाँ पर, ऐसे ही आ गया मिस ब्राउन, जब इसका बनेगा प्लुरल तो जाएगा मिसेस ब्राउन, ये नहीं करना द मिस ब्राउन्स ये हो जाएगा, अगर एग्जाम्पल देखा जाए इसका तो यही तो हो जाएगा, अगर लिख दें कि देर आर टू मिस्टर्स टू मिस्टर तो अगर टू मिस्टर लिखना है तो यहाँ क्या हो जाएगा मिसर्स करना पड़ेगा, और ऊपर वाले का एग्जाम्पल देखा जाए तो हो जाएगा ये है देर आर टू पी इन द एप्पल, जैसे एप्पल लिखते हैं हम लोग एप्पल में डबल पी है ये तो वही तो कह रहे हैं देर आर टू पीस इन द एप्पल, एप्पल में दो पी हैं तो दो पी एस ऐसे एस थोड़ी लगेगा ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो क्या करेंगे देर आर टू पी एपोस्ट्रोपियस इन द एप्पल इस तरह से लिखना पड़ेगा तो ये जाएगा करेक्ट। आगे एक नंबर और देखते हैं कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लुरल बनाने से उनका सेंस बदल जाता है, मतलब कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जब वो सिंगुलर में है तो उनका सेंस कुछ और है लेकिन जब उनका हो जाता है प्लुरल तो सेंस हो जाता है उनका चेंज, वो कौन कौन से हैं ये हैं एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह, ये तो सिंगुलर है भी जब इसमें जोड़ दिया एस एडवाइसेस तो ये हो गया सूचनाएं अर्थ हो गया चेंज, ये ऐसा नहीं है कि तुमको सलाहें मतलब एडवाइस सलाह तो एडवाइसेस सूचनाएं, उसके बाद है गुड अच्छा और लग गया एस गुड्स तो हो गया वस्तुएं, फोर्स होता है बल और जुड़ गया एस फोर्सेस तो हो गया सैनिक, आयरन होता है लोहा जब जोड़ दिया एस आयरन तो हो गया हथकड़ी, ऐसे लिखा है एब्यूज, एब्यूज मीन्स गाली या गाली देना जब लग गया एस एवेजेस तो हो गया कुरीतियां, और भी हैं उसके बाद है आर्म होता है भुजा ये सिंगुलर है जोड़ दिया एस आर्म्स तो हो गया हथियार, उसके बाद बर्क, बर्क मींस कार्य जोड़ दिया एस बर्क्स तो हो गया रचना, जैसे राइटर होते हैं उनकी कुछ रचनाएं होती हैं, पीपल होता है लोग एस जोड़ दिया तो हो गया राष्ट्र, ऐसी अल्फाबेट होता है वर्णमाला तो ये सिंगुलर है जब जोड़ दिया एस अल्फाबेट्स तो हो गया भाषाएं, ऐसी सैंड मीन्स रेत या बालू रेता होता है जो सैंड जब जोड़ दिया एस सैंड्स तो हो गया रेगिस्तान, ऐसी क्रिकेट, क्रिकेट मैच होता है क्रिकेट जब जोड़ दिया एस क्रिकेट्स तो हो गया झींगुर, ये वो नाउन्स थे जिनका सिंगुलर कुछ होता है जब सिंगुलर में यूज होते हैं तो इनका सेंस कुछ होता है लेकिन जब इसका यूज करते हैं प्लुरल में तो इनका सेंस हो जाता है चेंज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउन्स हैं चाहे कोई कंपटीशन की परीक्षा हो टीजीटी पीजीटी कोई सी भी हो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिंगुलर टू प्लुरल है ये। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।